मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढ ही रहा था कि मैं किस टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो बनाऊं, बट तभी एक इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है लक्ष्य। उनका मैसेज आता है, वो बताते हैं कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 64 GB अभी कल ही ऑर्डर किया था और उनके साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। अब ये फ्रॉड क्या हुआ है मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स काफ़ी बार हो चुके हैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी हो चुके हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब बात आती है कि भाई उनके साथ में फ्रॉड क्या हुआ है। इन्होंने ऑर्डर किया था सेल में आईफोन 12 64 GB 60-70 हज़ार के आसपास ऑलमोस्ट उन्हें फ़ोन पड़ा था। तो यहाँ पर जब उनके पास में फ़ोन रिसीव हुआ है, उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा काम ये था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, जिससे प्रूफ था उनके पास में कि क्या निकला है उस बॉक्स के अंदर जो फ्लिपकार्ट की तरफ से उन्हें डिलीवर हुआ था। अब यहाँ पर आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। आ जाए आईफोन 12 64 GB लक्ष्य गुलाटी जी का, इसकी अनबॉक्सिंग देखो भाई, पूरा सील है, डब्बा कहीं से नहीं खुला हुआ। चलो भाई मुहूर्त करा जाए। फोन ही है ना ये? लो भाई, भाई भाई जल्दी कवर हटा यार, एक्साइटमेंट कर अभी। हाँ फोन ही है, ये आया बिल, रुक जा साफ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, थोड़ा साफ आया। हाँ फोन है, ये बारकोड ठीक है, यहाँ पे भी लगी है। अब हम फोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये हो गई हमारी सील, खुल गई, ये हो गया, भाई हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है मेरी। ये ऐसा मत, भाई भाई मेरे को अटैक आ रहा है। ये देखिए इसमें क्या निकला है भाई, वो तभी ओटीपी लेके जल्दी जल्दी भाग गया भाई, जल्दी फोन करो। इसमें देखिए आप लोग, उन्होंने सामने ही सील खोली है, फ्लिपकार्ट की टेपिंग हुई हुई है प्रॉपर तरीके से, बट यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ओपन किया है बॉक्स को, बॉक्स के अंदर आईफोन का बॉक्स भी निकला है, बट उसके अंदर आईफोन नहीं निकला। ये हुआ है उनके साथ में, और उसके अंदर निकला है एक सोप यानी कि एक साबुन। मतलब ये क्या प्रॉब्लम है, आईफोन के उन्होंने पेमेंट किया है 60-70 हज़ार रुपये, उन्होंने कहाँ से कैसे करके अरेंज किया होगा, कैसे मेहनत करके उन्होंने 60-70 हज़ार कमाया होगा, उसके बाद उनकी भी एक इच्छा थी कि भाई वो आईफोन चलाएं, और उन्होंने आईफोन ऑर्डर किया, उन्हें क्या मिलता है 60 हज़ार रुपये में, एक 5 रुपये का साबुन। अब अगर इस बात को आप फ्लिपकार्ट से बोलोगे तो फ्लिपकार्ट इस बात को एग्री नहीं करता है, वो आपकी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो वो इस बात को एग्री करेगा ही नहीं कि उसके अंदर साबुन निकला है। ये डायरेक्टली आपकी ही गलती मानी जाएगी और आपको किसी भी तरीके का पेमेंट बैक नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको फ़ोन भेजा जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का मोटिव यही था मेरा कि मैं आप सभी को बता सकूं कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट फ्रॉड करता है, और ये आपके साथ भी हो सकता है। आज लक्ष्य टारगेट है, कल को आप टारगेट हो सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में कोई भी सामान आता है, ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो, सबसे पहले उसे कैश ऑन डिलीवरी में मंगाओ। अगर आप COD पर मंगाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप तब तक पेमेंट नहीं करोगे जब तक आप अपना प्रोडक्ट को चेक ना कर लो, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। डिलीवरी बॉय जाएगा नहीं बिना पेमेंट लिए, और आप पेमेंट नहीं दोगे बिना प्रोडक्ट को चेक किए हुए। तो ये याद रखना है, आपको COD हमेशा ऑर्डर करना है। अब अगर आपके पास में COD का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप प्री पेमेंट भी करना चाहते हैं, चलो ठीक है आप वो भी कर दो, बट उसके बाद में जब भी आपके पास में प्रोडक्ट आएगा तो उसे बिना OTP दिए हुए ही पहले चेक कर लो कि भाई किस तरीके का मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, उसी के सामने सारी की सारी चीज चेक करो, देन उसके बाद में डिलीवरी बॉय को जाने दो, या फिर अपना जो OTP जनरेट होता है उसे OTP तब देना है जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि मेरा प्रोडक्ट मेरे पास में बिल्कुल ठीक ठाक आ चुका है। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इससे पहले भी मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके साथ में ऐसा हो चुका है, बट उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इसलिए उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है और उन्हें किसी भी तरीके का पेमेंट वापस नहीं मिला था, ना ही उन्हें प्रोडक्ट मिला है। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को लक्ष्य को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आपको क्या करना है, रीट्वीट करना है और इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे लोग इसे रीट्वीट करें और लक्ष्य की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ ऐसी होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपकी वीडियो बनाऊंगा और या फिर अगर जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाएगी मैं वो आपके लिए ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।